बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमने बनाई है काफ्तान डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन के बारे में। इसमें हमने काफ्तान के कुछ ऐसी सिलेक्शन की है जिसमें आपको डिफरेंट स्टाइल नज़र आएंगे, डिफरेंट डिज़ाइन नज़र आएंगे। आपको आइडिया हो सकेगा कि आपने किस तरह का अपना जो काफ्तान है वो स्टिच करना है। आप इसको ईद के लिए भी स्टिच कर सकते हैं, आप इसको अगर कहीं आपने पार्टी पर जाना है तो उसके लिए भी स्टिच कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं विज़िट करने के लिए जाना है या कहीं वोकेशन स्पेंड करने के लिए जाना है तो आप उस पर भी, उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी स्टिच कर सकते हैं। अगर आपने रियलेटिव्स के यहाँ जाना है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कहीं टीचिंग करने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं और इसको पहनना चाहते हैं, तो ये ऐसा ड्रेस स्टाइल है जिसको आप कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है हमने कुछ ऐसी कलेक्शन की है, इसमें जो काफ़ी ड्रेस डिज़ाइन हैं कुछ सादे भी हैं, आप इनको सिंपल वे में बना सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको आप पार्टी वेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या कहीं आने जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट, या आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसकी जो लेंथ है वो किस तरह की रखना चाहते हैं। लंबी रखेंगे तब भी अच्छी लगेगी, अगर शॉर्ट रखेंगे तब भी अच्छी लगेगी। तो ये देखें फ्रेंड, इसमें काफ़तान के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसमें से कोई ना कोई अच्छा आइडिया मिल जाएगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो उन दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, ये जो काफ्तान बना हुआ है इसके बाजू जो हैं वो कफ़ वाले बने हुए हैं, कफ़ की शेप में हैं। इसको आप अबाय के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे अबाय भी पहने जाते हैं और काफ्तान की शेप में। हम इसे नाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे काफ्तान, अगर हम चाहते हैं कि नाइट में कुछ ड्रेस खुला हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं ये देखें, और हम इन्हें किसी फंक्शन पर भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन की शेप में भी ये अवेलेबल हैं, यानी कि ये फंक्शन में पहने हुए अच्छे लगेंगे। समर में लॉन पर भी हम इन्हें बना सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें समर में यूज़ करना है तो हम लॉन पर बना सकते हैं। और ईद आने वाली है, ईद के लिए अगर आप इसमें से कोई काफ्तान का जो है वो डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे तो भी आप बनवा सकते हैं, आप पर पहना हुआ या बनवाया हुआ आपको अच्छा लगेगा। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने के लिए, इसको लाइक करने के लिए, इसको शेयर करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, इसमें से आपको लाजमी अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे, आपको आइडिया होगा कि आप अपना जो ड्रेस है वो किस तरह का स्टिच करवाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।